इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं और करने के प्रोसेस में हैं तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और उसका माध्यम का क्या है, किसके पास आपको जाना पड़ेगा, कैसे वो लाइसेंस होता है, वो सब हम समझेंगे। तो फूड अथॉरिटी के पास एक ऑप्शन है जो कि सेक्शन 92 में लिखा गया है कि वो भी वो फूड अथॉरिटी कैन मेक एनी रूल एनी रेगुलेशंस बेस्ड अपॉन एनी सेक्शन। सो फॉर दैट रीजन सेक्शन 31 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को लेकर वो क्या किया ना, एक रेगुलेशन बनाया, उसका नाम दिया क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशंस 2011। उसमें क्या दिया ना, डेफिनेशन दिया है सेंट्रल लाइसेंसिंग क्या, अथॉरिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। सपोज वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फूड बिजनेस विच में नीड स्पेशल अटेंशन, वो एरिया को भी डिस्ट्रिक्ट ले सकता है। रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस एरिया को भी एक डिस्ट्रिक्ट में ले सकता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मीन्स एनी डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट और बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफ एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन हिज कैपेसिटी ऑफ फूड सेफ्टी कमिश्नर। लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि फूड सेफ्टी कमिश्नर के माध्यम से और सीईओ ऑफ फूड अथॉरिटी के माध्यम से अपॉइंटेड हुआ है उसको हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोल सकते हैं। देन पीटी फूड मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या है, अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी लेस देन 12 लाख है तो आप नॉट प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप अगर साल में आपका टर्नओवर कैपेसिटी 12 लाख के अंदर है, नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, देन यू आर ए पीटी फूड बिजनेस पीटी फूड मैन्युफैक्चरर। और अगर आप एक स्मॉल रिटेलर हैं, पीटी रिटेलर हैं, हॉकर हैं, इटिनरेंट वेंडर और टेम्पररी स्टॉल होल्डर, डिस्ट्रीब्यूट्स फूड्स इंक्लूडिंग इन एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट इकेटर, देन आपको पीटी फूड मैन्युफैक्चरर बोला जाएगा। ओके और उसका अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्ट से नहीं होगा तो उसको उसका कितना अगर है कैपेसिटी 100 kg से ज़्यादा नहीं है तो उसको हम पीटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं। अगर 100 kg पर लीटर केजी और लीटर पर डे नहीं है, देन उसका अगर प्रोक्योरमेंट और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ मिल्क इज अप टू 500 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, अगर 500 लीटर पर डे उसका अगर है तो उसको हम पीटी फूड मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं। उसका स्लटरिंग कैपेसिटी अगर 2 लार्ज एनिमल्स और 10 स्मॉल एनिमल्स और 50 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे और लेस होगा तो हमको उसको पीटी फूड मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं। तो पीटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर को डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या है ना, मीन्स डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर और एनी ऑफिशियल इन पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर लोकल बॉडी इन एन एरिया नोटिफाइड एज सच द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर फॉर द पर्पज ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन, उसको हम रजिस्टरिंग अथॉरिटी बोलेंगे। देन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है ना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट बाय द फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट को हम बोलेंगे।
तो जो भी बिजनेस होल्डर हैं, फूड बिजनेस होल्डर हैं, उनको कैसे लाइसेंस चाहिए वो हम अब समझेंगे। एवरी पीटी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल रजिस्टर देमसेल्स विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म ए। फॉर्म ए में जो कि शेड्यूल टू में बताया गया है, दिया गया है, उस फॉर्म ए को हम फिलअप करना पड़ेगा उस पीटी फूड बिजनेस ऑपरेटर को, और वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करना पड़ेगा एलोंग विद ए फी एज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल थ्री। शेड्यूल थ्री में फीस दिया गया है एंड शेड्यूल टू में फॉर्म ए है, उसको फिलअप करके आपको क्या करना होगा ना, आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास देना पड़ेगा। देन द पीटी फूड बिजनेस द पीटी फूड मैन्युफैक्चरर सेल फॉलो द बेसिक हाइजीन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन पार्ट वन ऑफ शेड्यूल फोर। शेड्यूल फोर में जो भी दिया गया है हाइजीनिक और सैनिटेशन कंडीशंस, वो पार्ट वन में जो भी दिया गया है उसको पीटी फूड मैन्युफैक्चरर शुड फॉलो। ओके, और उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, और उसका फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर वन में अंडर शेड्यूल टू में वो फॉर्मेट दिया गया है, जो कि वो डिक्लेयर करेगा कि मैं ये सब स्टैंडर्ड जो ये सब कॉन्सेप्ट्स कुछ जो शेड्यूल फोर में दिया गया है पार्ट वन में, वो जो सेफ्टी और हाइजीन रिक्वायरमेंट्स है वो सबको मैं फॉलो करूँगा, ये सब बोल के एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, जैसे कि एक एफिडेविट टाइप का होता है, वो उसको सबमिट करना पड़ेगा किसके पास ना, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन द रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिडर द एप्लीकेशन एंड मे आइदर ग्रांट, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऊपर कि वो रिजेक्ट करेगा कि रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर वो रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक रीज़न देकर एक पेपर में लिख कर वो रजिस्ट्रेशन क्यों रिजेक्ट हुआ उसको लिख कर 7 डेज ऑफ रिसिप्ट करने के बाद वो देना पड़ेगा किसको ना, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर रहा है देन दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देन इन द इवेंट ऑफ एन इंस्पेक्शन देन और क्या होगा ना, इंस्पेक्शन होगा किसका ना, पीटी फूड मैन्युफैक्चरर का। कौन करेगा ना, द रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी करेगा। द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द सेफ्टी हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस। वो सबको सेटिस्फाई करने के बाद ही वो एक इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि सेफ्टी हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द प्रीमेजेस एज कंटेन इन पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल फोर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। पार्ट टू शेड्यूल फोर में जो भी सैनिटरी और हाइजीन कंडीशन दिया गया है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो 30 डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट ग्रांटेड, अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया और द रजिस्ट्रेशन इज नॉट ग्रांटेड और डिनाइड और इंस्पेक्शन नॉट ऑर्डर विद इन 7 डेज एज प्रोवाइडेड इन अबव सब रेगुलेशन और नो डिसीजन इज कम्युनिकेटेड विद इन 30 डेज, कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ और कुछ भी इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करना, पीटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर कैन स्टार्ट, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अगर वो 30 दिन के अंदर कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया किससे ना, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के साइड से। बट वो फूड पीटी फूड बिजनेस मैन्युफैक्चरर इस अबाउंड वो इनकमेंट करता है कि कोई भी अगर सजेशन दिया है फ्यूचर में 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने, तो उसको वो और पीटी फूड बिजनेस ऑपरेटर फॉलो करेगा।
रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेल इश्यू ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ए फोटो आइडेंटिटी कार्ड। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड देता है जो कि डिस्प्ले करना पड़ेगा एक प्रोमिनेंट प्लेस में, जो कि कंज्यूमर को इजीली दिख सके उस जगह में वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। और क्या है, द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेल डू वन इंस्पेक्शन एटलीस्ट वंस, एक साल में एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ता है किसको ना, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को। ओके बट अगर एक मिल्क प्रोड्यूसर है एंड दैट मिल्क प्रोड्यूसर इज ए मेंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड सप्लाइज और सेल्स द एंटायर मिल्क टू द सोसाइटी शिल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन। सो उनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर वो मेंबर हैं। तो एज पर दिस रेगुलेशन नो पर्सन सेल कमेंस एनी फूड बिजनेस अनलेस ही पोजेस ए वैलिड लाइसेंस। और क्या बोल रहे हैं ना, जब ये रेगुलेशन नोटिफाई हुआ उसके एक साल के अंदर जो भी बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं जो कि प्रीवियस फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रखते हैं, उनको एक साल के अंदर उनका जो प्रीवियस सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट है उसको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लाइंग विद द सेफ्टी रिक्वायरमेंट मेंशंस इन शेड्यूल फोर कंटेंट अंडर डिफरेंट पार्ट्स डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। जो भी पार्ट्स के लिए डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मेंशन किया है उसको फॉलो करके वो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर फूड बिजनेस ऑपरेटर को पेनल्टी देना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट। और अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास कोई और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सर्टिफिकेट है कोई अदर एक्ट के रिलेटेड, तो अगर उसमें कोई वैलिडिटी और कुछ एक्सपायरी डेट नहीं दिया गया है तो उस केस में क्या होगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को इमीडिएटली लाइसेंस बनाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो कि शेड्यूल 4 में मेंशन किया गया है अगर वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस द फूड अथॉरिटी और द लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेल गिव द प्रॉपर डायरेक्शन एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर टू कंप्लाई विद दैट रिक्वायरमेंट्स। देन लाइसेंस फॉर कमेंसिंग और कैरिंग ऑन फूड बिजनेस विच फॉल्स अंडर शेड्यूल 1 शैल बी ग्रांटेड बाय द सेंट्रल लाइसेंस। जो भी शेड्यूल 1 के अंडर दिया गया है, शेड्यूल 1 के अंडर क्या क्या दिया है ना, कौन कौन फूड बिजनेस ऑपरेटर सेंट्रल लाइसेंस को प्राप्त कर सकता है वो सब के बारे में दिया गया है। तो प्रोवाइडेड दैट फूड अथॉरिटी में थ्रो नोटिफिकेशन मेक सच चेंजेस और मॉडिफाई द लिस्ट गिवेन इन द शेड्यूल 1 एज कंसिडर नेसेसरी। तो फूड अथॉरिटी कैन गिव नोटिफिकेशन टू मेक सम चेंजेस और मॉडिफाई ओके लिस्ट गिवेन इन द शेड्यूल 1 ओके। देन लाइसेंस फॉर कमेंसिंग और कैरिंग ऑन फूड बिजनेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 शैल बी ग्रांटेड बाय द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अगर शेड्यूल 1 के अंदर वो सब फूड बिजनेस नहीं आ रहा है देन दैट FBO कैन गो फॉर
व्हाट स्टेट लाइसेंस, ओके, और यूनियन टेरिटरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है. देन द फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल एंश्योर दैट ऑल कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एज प्रोवाइडेड इन एनेक्सर टू ऑफ फॉर्म बी इन शेड्यूल टू and safety, sanitary and hygiene requirements provided in the Schedule 4 contained under different parts depending on natures of business are complied with all the times. So, food business operator को और भी एक क्या करना है कि he is following all the requirements, safety requirements, sanitary requirement present in Schedule 4, all the time, not in a single phase of time you have completed this task, not like that. You have to follow this Schedule 4 requirements all the time. उसके बाद क्या देना, licensing authority shall ensure, क्या ensure करना है ना, periodical food safety audit and inspection. Audit और inspection periodically हो रहा है कि नहीं वो एंश्योर करना है टू द लाइसेंस्ड एस्टैब्लिशमेंट्स थ्रू इट्स ओन एजेंसीज और ऑथराइज्ड पीपल फॉर दिस पर्पस बाय द FSSAI. ओके, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एंश्योर करना है कि पीरियोडिकल फूड सेफ्टी ऑडिट हो रहा है और इंस्पेक्शन हो रहा है जो कि फूड अथॉरिटी का आइदर ओन और एजेंसी के माध्यम से हो रहा है. ओके, देन क्या है ना, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर इरेडिएटेड फूड को सेल, स्टॉक, इंपोर्ट, एग्जिबिट फॉर सेलिंग नहीं कर सकता है अनलेस ही हैज गॉट द लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अंडर द एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल ऑफ इरेडिएशन ऑफ फूड रेगुलेशन 1996. उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. कैसे एप्लीकेशन देना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ना, जो स्केड्यूल टू में फॉर्म ए फॉर्म बी दिया है, फॉर्म बी में अपना सारा डिटेल फिलअप करके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना है और उसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन भी देना है. वो फॉर्मेट एनेक्सचर वन में दिया गया है. अब व्हाट स्केड्यूल टू में वो फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सचर वन बोल के. और क्या करना है ना, ही हैज़ टू पे द एप्लीकेबल फीस प्रेस्क्राइब्ड इन द Schedule 3. Then processing of application for license. So a license shall subject to the provisions of these regulations be issued by the concerned licensing authority 60 din ke andar hi unko license dena padta hai. Isko license subject ne put licensing authority ko 60 din ke time. Agar aap एक फर्स्ट दिन में दिया तो 60 दिन के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट लाइसेंस एप्लीकेशन देने के बाद 15 डेज के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको एक 30 डेज का टाइम देंगे. विद इन दैट 30 डेज आपको वो डाटा देना पड़ेगा. अगर आप उस डाटा दे नहीं पाए तो देन व्हाट विल हैपन, योर लाइसेंस सेल स्टैंड एप्लीकेशन लाइसेंस विल बी रिजेक्टेड. तो जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन आईडी उस एफबीओ को देते हैं जो कि वो फ्यूचर करेस्पोंडेंस के लिए वो एप्लीकेशन आईडी यूज कर सकता है. ओके, आफ्टर द एप्लीकेशन आईडी इज इशूड टू द FBO बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या कर सकते हैं कि एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ पे भेज सकते हैं और कोई ऐसे एजेंसी जो कि फिट है
ऑडिट और इंस्पेक्शन करने के लिए, वो उनको इंस्पेक्शन करने के लिए भेजते हैं, जो कि चेक करते हैं कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस FSSA एक्ट में दे दिया है वो सब आप जो FBO है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। और अगर जो ऑडिटर उसमें कुछ चेंजेस चाहता है, कुछ सैनिटरी चेंजेस चाहता है, कुछ अल्टरनेशन चाहता है, तो उसको कुछ टाइम पीरियड के अंदर उस चेंजेस अल्टरनेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा उस FBO को। देन लाइसेंसिंग ऑथोरिटी में गिव 30 days टाइम और द स्पेसिफाइड टाइम टू दैट FBO टू फुलफिल द चेंजेस गिवन बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर और एनी अदर सर्टिफाइड ऑडिटर एजेंसी। देन उसके बाद क्या है, 30 दिन के अंदर within a period of 30 days from the receipt of an inspection report, okay, excluding the time taken, जो भी time of FBO लिया है उस alteration को, उस suggestion को, change को fulfill करने में, उसको exclude करने के लिए exclude करके, excluding the time taken by the applicant in complying with the advice if any given in the inspection report and verification thereof, the concerned licensing authority shall consider the application and may either grant license or reject the application। उस 30 days के अंदर उनको लाइसेंस देना होगा। ओके, अगर उस 30 दिन के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर रहे हैं लाइसेंस, तो उनको एप्लीकेंट को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं, और प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर रिफ्यूज़ल, क्यों आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो रहा है, और रिटर्न रिकॉर्ड्स के अंदर वो देना पड़ेगा। देन प्रोसीजर फॉर लाइसेंस इन सर्टेन लोकल एरियाज, देखिए क्या होता है ना, एक सिंगल लाइसेंस देना होता है पर डिफरेंट फूड्स और डिफरेंट कलेक्शन सेंटर फॉर मिल्क। और क्या ना, अगर एक सेंट्रल एजेंसी के अंडर बहुत सारा अगर फूड एस्टेब्लिशमेंट है, तो क्या करता है ना, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर स्पेशली उनको इंस्पेक्ट करने के लिए दे देते हैं, और प्रोवाइड फर्दर दैट द फूड अथॉरिटी में कैरी आउट फूड सेफ्टी ऑडिट ऑफ दिस एस्टैब्लिशमेंट्स वंस, एक साल में एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट को इंश्योर करते हैं फूड अथॉरिटी। उसके बाद अगर एप्लीकेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया फूड अथॉरिटी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी से 60 दिन के अंदर, तो वो क्या, फूड बिजनेस ऑपरेटर कैन कमेंस द फूड बिजनेस, स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंडिकेटिंग डिफेक्ट्स आर नॉट गिवेन, देन कैन स्टार्ट द बिजनेस। ओके, देन वैलिडिटी एंड रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, वैलिडिटी 1 साल से 5 साल तक रह सकता है, उसके अंदर अगर आपका वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो रहा है तो 30 दिन से पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, रिन्यूअल के लिए। देन क्या नेक्स्ट क्या है ना, जो भी लाइसेंस मिला है वो एक्सपायरी से 30 दिन तक उसका वैलिडिटी रह सकता है, वो उसका फोर्स में रह सकता है। लेकिन अगर आप रिन्यूअल नहीं दिया, कितना दिन जो बियॉन्ड 30 डेज दे दिया है, ओके, एक्सपायरी होने से बाद अगर आप रिन्यूअल के लिए नहीं दिया है, तो क्या आपको फाइन लग सकता है पर डे 100 रुपीज़ के
जैसे देन क्या है ना, अगर आप जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर रिन्यूअल नहीं किया तो क्या होगा, आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और एक्सपायरी हो जाएगा, लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपको रीस्टार्ट करना है बिजनेस को, देन यू हैव टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फ्रेशली। को रिन्यूअल के लिए ऑडिटर, जो कि ऑथराइज्ड ऑडिटर होते हैं, उनसे इंस्पेक्शन नहीं चाहिए, इंस्पेक्शन करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ऐसा कुछ लगा कि इंस्पेक्शन चाहिए रिन्यूअल से पहले, तो ही कैन पास ए ऑर्डर इन राइटिंग फॉर द इंस्पेक्शन, व्हाट इज द रीज़न ऑफ दैट इंस्पेक्शन, द डेजिग्नेटेड ऑफिसर कैन आस्क फॉर इट। ओके, देन सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस सर्टिफिकेट। सो अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर का कुछ ऐसा प्रोविज़न देखा गया कि वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, प्रॉपर एक्टिविटीज़ एज पर द लाइसेंस, एज पर द एक्ट नॉट फॉलोड, देन द ग्रांटेड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। बट बिफोर कैंसलिंग दैट, द FBO विल बी गिवन ए इम्प्रूवमेंट नोटिस अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट, एंड ही विल बी गिवन सम 14 डेज ऑफ टाइम पीरियड टू मेक सम चेंजेस और मेक सम इम्प्रूवमेंट। अगर उस 14 डेज के अंदर वो रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं किया, देन वो सस्पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, सस्पेंशन ऑफ दैट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। देन दिस लाइसेंस विल बी कैंसल्ड बाय द अथॉरिटी। अगर कोई पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ सेफ्टी इशू के लिए भी वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो जो लाइसेंस होल्डर होते हैं वो कोई भी फीस को क्लेम नहीं कर सकते। ओके, और क्या है ना, कैंसिल होने के बाद 3 महीने के बाद फूड बिजनेस ऑपरेटर कैन री अप्लाई फॉर लाइसेंसिंग। ओके, देन FBO कैन मेक सम मॉडिफिकेशन, सम एक्सपांसन, चेंजेस इन प्रीमाइजेस। ओके, वो कर सकता है। देन मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, सम स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए, पर सेंट्रल लाइसेंस इज़ फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम। देन ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस इन केस ऑफ डेथ, अगर जो प्रोप्रिएटर, जो ओनर होते हैं, वो अगर उनका डेथ हो गया, तो उनका जो लीगल हायर होते हैं, लीगल ओनर होते हैं, उनको वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। उसके बाद अपील कर सकता है कि टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी कमिश्नर को अपील कर सकता है एज पर द सेक्शन 31(8) and 32(4) ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट, देन रिटर्न। तो वंस इन ए ईयर FBO हैज़ टू फाइल द रिटर्न। ओके, बट इफ यू आर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, देन 6 मंथ के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप उस रिटर्न फाइल के को लेट कर दिया, तो 100 रुपये का डिले चार्जेस आपको पड़ेगा। देन क्या है ना, फूड बिजनेस ऑपरेटर टू बी बाउंड बाय डायरेक्शंस और ऑर्डर। कोई भी अगर डायरेक्शन दिया गया है, कोई भी ऑर्डर दिया गया है, तो FBO हैज़ टू फॉलो इट, एंड गारंटी और वारंटी इन फॉर्म ई देना पड़ेगा। कोई भी FBO अगर कोई प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर वेंडर को दे रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसमें वो बिल में और केस मेमो में वो वारंटी लेटर देना पड़ेगा, फॉर्म ई
देना पड़ेगा फॉर मेकिंग बिजनेस। देन स्केड्यूल वन में दिया है कौन कौन फूड बिजनेस ऑपरेटर कैन गेट सेंट्रल लाइसेंस। देन स्केड्यूल टू में फॉर्म ए दिया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। देन फॉर्म बी में एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस के लिए देना पड़ेगा और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए देना है, वो स्केड्यूल टू में है फॉर्म बी। देन ये होता है फॉर्म बी, उसके बाद डिक्लेरेशन होता है जो कि देना पड़ता है एफबीओ को। ओके, उसके बाद आता है क्या ना हमारा स्केड्यूल थ्री फॉर्म सी। इसमें रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट स्टेट लाइसेंस सेंट्रल लाइसेंस के लिए कितना कितना फी है वो स्केड्यूल थ्री में दिया है। देन स्केड्यूल फोर में जनरल हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस के बारे में दिया गया है। डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए डिफरेंट सेक्शन दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।